मन ही पूजा मन ही धूप मन ही से हूँ सहज स्वरूप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। सबसे पहले यंग बाइट्स देख रहे सभी दर्शकों को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और गुरु रविदास जी के दर्शन भी करवाएंगे। आपको बता दें, सदगुरु रविदास जी भारत के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा का पाठ पढ़ाया था। गुरु रविदास जी जीवन पर समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात-पात के अंत के लिए काम करते रहे और उन्होंने काफ़ी काम जो है इस पर किया था और सबको एकता के बंधन में बंधने का संदेश दिया था। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं जो गुरु रविदास जी के दर्शन कर रहे हैं और उनका जिस तरह से संदेश रहता था सबको एकता में बांधने का, तो एकता के साथ ही लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं और एकता के साथ यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। रितिका, आज के दिन के लेकर क्या कुछ कहने चाहोगे? कई सारे वचन जो हैं गुरु रविदास जी के थे, किस वचनों पर आप आज भी चलते हैं? गुरु रविदास जी हमेशा बोलते थे कि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट हमेशा एक साथ चले। कोई कास्ट, रिलीजन, फेस कलर इनके ऊपर नहीं थे और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि दैट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ना बेसिस ऑफ कलर्स, ना उनके बेस फेस कलर से, ना उनकी कास्ट से, क्योंकि सब एक जैसे हैं, एक ही है, सब में खून एक ही है। सिर्फ यही है कि लोगों ने कास्ट बनाकर लोगों को अलग कर दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब मैं सबको यही बोलती हूँ कि सब सेम ही है, सब मिलजुल के रहें। हाँ जी, सब मिलजुल के रहें। हमारे बाबा जी का बर्थडे है, उन्होंने सबको सिखाया था कि मिलजुल के रहो, जाति पाति का भेदभाव नहीं करो, सबको मिलजुल के रहना सिखाया है और सभी के आगे यही दुआ है कि मिलजुल के रहना चाहिए। बस यही कि आज के दिन हमारे सबसे बड़ा दिन होता है हमारे जो कास्ट में, तो सभी का यही है कि अच्छा खासा रहो, खुश रहो और मगर ज़्यादा किसी के साथ दुआ मगर भेदभाव नहीं करो जाति पाति का, बस यही कह रहे थे। आज के दिन को लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, आज के दिन हमारे मंदिर में जो शुभ यात्रा, पहले शुभ यात्रा थी, उसके बाद अब बाबा जी का जन्मदिन है, हम धूमधाम से मनाए जाते हैं, सभी आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, इंजॉय करते हैं। और क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन को लेकर, खासकर अपने दोस्तों? बस मैं यही करना चाहता हूँ, हमारी जो पब्लिक है, आगे पीछे जो जाती है, हमारे गुरु जो है रविदास जी के, इनको मानते चलो तो सब कुछ बढ़ना चाहिए आगे। आज के दिन को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले सभी को मुबारक आज के दिन की, आज गुरु रविदास जयंती है और सभी सारे समाज को, सारे जम्मू वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और यही है कि भाईचारा रखें, मिलकर रहें और जात पात का बिल्कुल ना करें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबसे बड़ी महत्व जो चीज़ें हैं ये गुरुद्वारे जो बने हुए हैं ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें भाईचारे में रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। और आज के दिन का मेरा संदेश यही है कि हम लोग मिलकर रहें तो तभी हमारा देश, हमारा जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, तभी तरक्की कर पाएगी। जय गुरुदेव सारे। और आज बाबा साहेब गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, 645वां, और मेरी तरफा यह मैसेज है कि अमन दे शांति बनाई रखे और गुरु रविदास जी की मेहर रोग दे करोना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, सब कुछ पीसफुल हो जाए। सब गुरु रविदास जी के इस पर्व पे मैं सारे जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और मैं पीरा दत्ता साहब को और इनकी सारी कमेटी को भी मुबारक देता हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी बड़े भव्य तरीके से इस समागम को मना रहे हैं जिसमें लाखों की तादाद में या जो लोग श्रद्धालु हैं वो आते हैं। आज का दिन गुरु रविदास जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का दिन है, हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम गुरु रविदास जी के दिखाए हुए इंसानियत के उस पैगाम को हर जगह पहुंचाएं और जम्मू कश्मीर में वो भाईचारे की लौ जो है उसको जगाएं, जिसको गुरु रविदास जी हमेशा चाहते थे कि इंसानियत के पैमाने पे ही हर चीज़ को किया जाए, एक भाई दूसरे भाई से, एक दूसरा आदमी दूसरे आदमी से प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ रहे। मैं ये समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा
दिन है ये बात के अहद करने के लिए कि हम आपस में भाईचारे में रहें, आपस में प्रेम बढ़ाएं और एक दूसरे की इज्जत करें। इंसान को ना तो उसके मज़हब ज़ात या ज़ुबान से तोलें, बल्कि इंसान को उसके किरदार से और उसके इंसानी फ़राइज़ वो कैसे निभाता है उस तरह से तोलें। गुरु रविदास की जयंती पर आज हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे और कुछ युवाओं से हमने बातचीत की, उनका भी यही संदेश था कि गुरु रविदास जी के वचनों पर अगर हम चलेंगे तो हम इस देश में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और हम सभी को